हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक ऑयल सील कैसे चेंज करें। ब्रेक ऑयल जब व्हील में लीक होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। ये ऑयल सील खराब हो गया है, इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए ये पिस्टन में से ऑयल सील को निकालना पड़ता है। निकाल के फिर इसको पानी से साफ करना पड़ेगा। ब्रेक का सभी पार्ट्स पानी से ही साफ होता है। पानी से साफ करोगे तो अच्छे से साफ होगा। और साथ में काच कागर बोलते हैं, कांच कागर से अच्छे से घिस के सफाई करो। और जो ये व्हील में आता है ना, उसको हम लोग इधर गुजरात में कोठी बोलते हैं। आपके उधर क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। हम लोग इसको कोठी बोलते हैं, ब्रेक व्हील कोठी। अच्छे से सफाई करने के बाद इसमें नया वाला ऑयल सील डालेंगे। इसको पानी से अच्छे से साफ करना है, कांच कागर लगा के। इसका फेस जो अंदर का है, उसमें कोई कड है या कुछ वगैरह कचरा वचरा सब सफाई करके अच्छे से सफाई करना पड़ रहा है। पानी से साफ करोगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगा। ये कांच कागर लगाने से अंदर कोई भी काट कुछ होगा वो सब निकल जाएगा। अच्छे से सफाई करना जरूरी है, नहीं तो नया ऑयल सील डालोगे तो फिर कुछ ना कुछ उसमें कंकड़ मिट्टी आएगा, तो टूटने का डर रहता है, तो फिर ऑयल लीक करेगा उधर से। इसलिए अच्छे से पानी और कांच कागर से साफ कर दीजिए, फिर नया ऑयल सील डालें। और ऑयल सील है वो ओरिजिनल ही डाले, ज़्यादातर ओरिजिनल बहुत अच्छा आता है। मार्केट में तो सब कुछ मिलता है, सस्ता वाला मिलता है, मगर ये ओरिजिनल अच्छा आता है और अच्छा रहेगा, ज़्यादा टिकेगा। देखो ये अब पिस्टन अंदर डाल के थोड़ा ब्रेक पेडल मारोगे तो ऑयल आ जाएगा इसमें। फिर चेक कर लिया, ये सब एकदम फ्री है, पिस्टन दोनों एकदम फ्री रहना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम लोग जो नया वाला ऑयल सील है उसे लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे उसको। ये है बिल्कुल नया वाला ऑयल सील, दो वॉशर रहता है और दो उसका ऊपर का पैकिंग। इसे आराम से थोड़ा ऑयल डाल के इसको अच्छे से फिटिंग कर दो। ये फिटिंग हो गया। दोनों इस तरह से अच्छे से थोड़ा ध्यान रखे, फिटिंग में टूट ना जाए रबर पार्ट से, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के फिटिंग करें। फिर इसका एक स्प्रिंग आएगा, ऊपर का कवर
ये भी लगा दिया। और दोस्तों मेरी चैनल और ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये चैनल पे मैं ऐसे वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपको जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। इसका कैसे शॉर्टकट से काम करे, अच्छा काम करे, इसके लिए ये है ब्रेक का एडजस्टर। वो ऑटोमेटिक शट आता है ना, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक जब आप ब्रेक पेडल मारोगे ये शट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये उसके लॉक है, ब्रेक शॉक्स के लॉक। और ये ब्रेक शॉक्स भी बिल्कुल नया है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।